बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो दिखा। जिन गोविंद दियो दिखा को लेकर के आपके द्वार पे आए हैं, लेकिन हे बापू आपके बिना ये दरबार भी अधूरा लगता है। सूक्ष्म रूप से तो आप हैं, लेकिन हमें वही दीदार फिर से करा दो जो दीदार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मांगे थे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि हे प्रभु मुझे वही दीदार वही विश्व रूप दिखाइए। ऐसी हम सब साधक ये चाहते हैं कि बापू जी हम जब आश्रम में आते हैं तो आप व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं, फिर से आप हमें वही दर्शन दीजिए। आप व्यासपीठ पर विराजें, अब आपके श्री चरणों में आकर के आपका व्यासपीठ पे आना, अपनी नूरानी नज़रों से सभी भक्तों को आनंदित करना, रेलगाड़ी में बैठ करके प्रसाद के माध्यम से सबके हृदयों में भक्ति की सुवास को लौटाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर सबके हृदय को प्रफुल्लित करना, आनंद और ध्यान में डुबाना, हमसे फिर से वही दिन लौटा दो। हम आपसे यही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। उनकी शरण में जो भी आया, उनकी शरण में जो भी आया, वो आपकी शरण बनाया, उसने जीवन सफल बनाया। तो आओ मिलकर दर्शन पाले, जीवन अपना सफल बना ले। आओ मिलकर जीवन हरिनाम की ताली। आपकी श्रद्धा की पुकार गुरुदेव तक पहुंचनी चाहिए। वाणी की पुकार भले पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हृदय की पुकार। श्री बापू जी कहते हैं संकल्प से पुकारो, ये संकल्प की दुनिया है। हम सब का यही संकल्प हो आज कि बापू जी का जो संकल्प है हर उस माता पिता तक पहुंचे, हर उस बच्चे तक पहुंचे, हर उस देशवासी तक पहुंचे, हर उस विश्व में रहने वाले माता पिता तक पहुंचे। और आज वो हर बच्चा माता पिता का पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाए और उसके
हृदय से एक ही आवाज निकले, बापूजी जल्दी बाहर आ जाओ। सदगुरु भर दे, खाली झोलियां सदगुरु भर दे, ओ खाली झोलियां सदगुरु भर दे, खाली झोलियां सदगुरु भर दे, सबका कष्ट और दुख वे हर दे, भरते सबका कष्ट और दुख वो हरते, सुच में रूप गुरु है आते, सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहजी कर देते हैं निहाला, सचमुच गुरु है दीन दयाला। आज भी कई साधकों को गुरु जी के अनुभव होते हैं, गुरु जी के दीदार होते हैं सपने में आते, प्रत्यक्ष रूप में तो वो दर्शन देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में भी, सूक्ष्म रूप में भी आकर के भक्तों की रक्षा करने के लिए गुरुदेव आते हैं। एक बच्ची अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए आश्रम में जा रही, रविवार का दिन, अपने छोटे भाई को साइकिल में बिठा के जा रही, हाईवे था रोड, उसमें बड़े बड़े टैंकर और गाड़ियां चलती, जैसे अपने घर से वो रोड पे आती बच्ची, टैंकर उसे टक्कर मार देता है, टक्कर लगते ही सिर में टक्कर लगती है, भाई तो कुछ नहीं होता, भाई पीछे गिरता, लेकिन सीधा सिर उस बच्ची का टैंकर में टकराता, वो बच्ची उछल करके खेत में गिरती है, चारों तरफ से लोग आकर के उस बच्ची को उठाते हैं, घर में खबर देते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उस बच्ची का पूरा सिर पिचक गया, सिर की हड्डियां टूट गई अंदर ही अंदर। माँ रोने लगी, कहने लगी डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लो। डॉक्टर कहता हम अपना काम करेंगे, आप भगवान से प्रार्थना करो, चोट बहुत गहरी है, हम गारंटी नहीं लेते कि बच्ची ठीक हो भी जाएगी, ऑपरेशन करेंगे, होश में आएगी कि नहीं आई हमें पता नहीं, और हो सकता जीवन भर इसका दिमाग सही रहेगा भी कि नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन हम अपना प्रयास करते हैं। तुरंत ही वो माँ बापू जी के सामने आकर कहती है बापू मेरे बेटी को बचा लो, रक्षा करो उसकी, वो आपके ही द्वार पे जा रही थी, आपके ही दर्शन के लिए जा रही थी, बापू बचा लीजिए उसे। प्रार्थना करने लगी, 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज करेंगे, गंगा राम सील है दासा, पूर्ण होगी सभी अभिलाषा, मेरी अभिलाषा भी पूर्ण कीजिए गुरुदेव, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर अपना इलाज करना शुरू करते, ऑपरेशन करते हैं बच्ची, ऑपरेशन कई घंटे तक चलता, उसके बाद उसके सिर पे से छोटे छोटे 13 टुकड़े निकलते हैं हड्डी के। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कहते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, भगवान से प्रार्थना करो सब ठीक हो। 13 टुकड़े सिर से निकले, बताओ उसके सिर की क्या हालत हुई होगी। लेकिन एक दिन बीता, डॉक्टर तो कह रहे थे हो सकता महीना भी कोमा में रहे, 2 महीना होश आए ना आए, लेकिन महीना 2 महीना नहीं, दूसरे ही दिन उस बच्ची को होश आ गया। जैसे होश आया बच्ची ने आंख खोली तो पहला शब्द बोला हरिओम हरिओम। डॉक्टर जो आसपास खड़े थे बुलाया परिवार को, कहने लगे कि हरिओम कौन है उसे बुलाओ जरा। माँ रो रो कर कहने लगी, उसका हृदय गुरुदेव की असीम अनुकंपा और करुणा को, कृपा को देख करके
हृदय गदगद हो गया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बापू आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। डॉक्टर साहब हरिओम, हमारे आश्रम में हम हेलो हाय नहीं करते, हमारी संस्कृति हेलो हाय करने वाली नहीं। कोई मिलता है तो हेलो हाउ आर यू ऐसा नहीं करते, हम दोनों हाथ जोड़ के हरिओम करते हैं। हमारे गुरुदेव जी का आश्रम का ये मंत्र है, हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हरिओम बोलते हैं। मेरी बच्ची भी गुरुदेव के नाम पे जा रही थी, फिर उस बच्ची से पूछा बेटा क्या हुआ। बच्ची कहने लगी माँ जैसे मुझे टैंकर ने उछाला बापूजी आए मेरे पास, और ठंड के दिन थे, बापूजी ने कहा बेटा ये कोट ओढ़ ले मुझे ठंड लग जाएगी, चिंता नहीं करना मैं हूं तेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। और बापूजी ने आकर मुझे कोट पहनाया और मुझे एक आशीर्वाद दिया कि चिंता नहीं करना तू ठीक हो जाएगी। डॉक्टर जो कह रहे थे कि बच्ची शायद पूरे जीवन भर उसका दिमाग सही रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन डॉक्टर भी अचंभित रह गए। उस बच्ची का दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गया, पढ़ाई में लिखाई में हर क्षेत्र में। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका हो सके चाहे जग बैरी होए। इसलिए खाली झोलियां सदगुरु भरते, खाली झोलियां सदगुरु करते, ओ सबका कष्ट और दुख बेहरते, सबका कष्ट और दुख बेहरते, ओ महिमा मिलते। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, इस कृपा से ही भगवान को पाए हुए सदगुरु की प्राप्ति होती है। भगवान बड़ा कि गुरु, हम किसको पहले माने। कबीरदास जी ने तो कह दिया गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ बलिहारी गुरुदेव आपकी, जिन गोविंद दिदो दिखाए। भगवान ने मनुष्य जीवन तो दे दिया लेकिन साथ में पांच चोर भी साथ में दिए। हरि ने जन्म दियो जग माही और पांच ये इंद्री रूपी चोर भी दे दिए, कभी काम कभी क्रोध कभी लोभ कभी, पांच विषय इंद्रियों के सताते हैं हमें। लेकिन सदगुरु उन मीराबाई कहती है अपनी भाषा में, यो मन मेरो बड़ो हरामी जो मत मादो हाथी, सतगुरु हाथ धरो सिर ऊपर अंकुश दे समझाती। और सहजोबाई कहती है राम तजू पे गुरु ना विसार, हरि के सम गुरु के सम राम तजू पे गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। हे हरि आपको आना है तो मेरे सदगुरु के रूप में आना, क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं कि मेरी आंखों से तुझे पहचान सकूं, लेकिन सदगुरु की करुणा और कृपा होगी। सदगुरु की ज्ञान की दृष्टि प्राप्त होती है तो हमें जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी दिखाई पड़ती है, वरना सदगुरु की कृपा ना हो तो हम तो भगवान को भी नहीं पहचान सकते। राम आए तो क्या सबने पहचाना, नहीं पहचाना। कृष्ण आए तो क्या सभी ने पहचाना, नानक जी आए तो क्या सभी ने पहचाना, बुद्ध आए तो क्या भगवान बुद्ध को सबने माना, महावीर आए तो क्या भगवान महावीर को सबने पहचाना। जो भी भगवान और भगवत प्राप्त इस धरती पर आते भगवत प्राप्त महापुरुष, उनको पहचानने के लिए दृष्टिकोण चाहिए, नजरिया चाहिए।
और वो दृष्टि सदगुरु की कृपा से, जब भगवान की अति कृपा होती है तो वो भगवान ही सदगुरु तक पहुंचाते हैं कि जाओ गुरु की शरण में। ईश कृपा बिन गुरु नहीं और गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गाव ही वेद पुराण। पहली कृपा होती है तो मनुष्य जीवन मिलता है, दूसरी कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, तीसरी कृपा होती है तो सदगुरु से दीक्षा मिलती है, चौथी कृपा होती है तो सदगुरु पे श्रद्धा और विश्वास होता है और इस श्रद्धा विश्वास से साधक बढ़ता है और साधना के द्वारा आगे बढ़ता है, तब गुरु की पूर्ण कृपा को पचाता है, तब ये ज्ञात होता है कि जो गुरु था वही ईश्वर है, जो ईश्वर था वो गुरु है। वहाँ फिर द्वैत नहीं भासता, वहाँ फिर मंदिर में दो मूर्ति नहीं होती, गुरु की अलग और भगवान की अलग, वहाँ तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। द्वैत जब तक भासता है कि एक तरफ भगवान एक तरफ गुरु, कबीरदास जी ने तो कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिखाए। सहजोबाई कहती कि मैंने भगवान को देखा नहीं लेकिन सदगुरु ने मुझे दिखाया, इसलिए मैं भगवान को पहचाने में चूक सकती लेकिन अपने सदगुरु को पहचानने में चूक नहीं कर सकती, इसलिए भगवान को उतरना है तो वो भगवान सदगुरु के रूप में ही उतर करके हमारे ऊपर बरसते हैं, करुणा और कृपा बरसाते हैं, जन्म जन्मांतर के मोह और अज्ञान को हर करके हमारा, हमारी उस ज्योति को, हमारे उस ज्ञान को, उस आत्मा को परमात्मा तक प्रतिष्ठित कर देते हैं और भ्रांति मिटा देते हैं। इसलिए बड़े भाग से सदगुरु मिलते, बड़े भाग्य से सदगुरु मिलते, ओ प्रभु कृपा से ही गुरु मिलते, प्रभु कृपा से ही गुरु मिलते। श्रद्धा बढ़ाओ सदगुरु में ही प्रभु को पाओ, श्रद्धा बढ़ाओ प्रीति जगाओ सदगुरु में ही पाओ। हरि हरि सदगुरु प्यारे, पाए बापू जैसे सदगुरु प्यारे, ओ धन धन है भाग हमारे, धन धन है भाग हमारे, ओ पाए ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु प्यारे, पाए ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु प्यारे, ओ आनंद दाता प्रीति दाता गुरु हमारे भक्ति दाता, ओ आनंद दाता प्रीति दाता गुरु हमारे भक्ति। पर रहमत सदगुरु कर दे, जिस पर रहमत सदगुरु कर दे, जिस पर माता पिता और सदगुरु की रहमत होती है उस पर सब देवों की कृपा बरसती है,
और जो अपने माता पिता का अनादर करता है, अपने गुरुजनों का अनादर करता है, उसे माता पिता और गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता तो देवता भी उससे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप चाहें कि सब देवों की कृपा बरसे, सबका आशीर्वाद मिले, तो सर्व देवमय सर्व तीर्थमय माता पिता और गुरु के चरणों में श्रद्धा वंदन पूजन अर्चन करके सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन ये मातृपितृ पूजन दिवस है। इसलिए हम अगर अपने जीवन में महापुरुषों की रहमत को चाहते हैं तो अपने माता पिता की रहमत, माँ की रहमत, पिता की रहमत, सदगुरु की रहमत, इनकी रहमत हम पे हो गई तो फिर सबकी रहमत अपने आप बरसने लगेगी। इसलिए जिस पर रहमत सदगुरु कर दे, जिस पर रहमत सतगुरु कर दे, उस पर सब देवों की कृपा बरसे, सब देवों की कृपा बरसे, चरण निहारो कृपा पाओ, नाम जप कर